नमस्कार, ओम शांति। मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नज़र आज के हेडलाइंस पर। विजयवाड़ा की SRM यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल हुआ वैल्यू एजुकेशन। ब्रह्म कुमारी संस्था के एजुकेशन विंग और SRM यूनिवर्सिटी के बीच MOU। मध्य प्रदेश के बिजावर जनपद पंचायत कार्यालय में प्रशासन में दिव्यता विषय पर कार्यशाला। BK शैलजा ने धैर्यता के गुण को बताया प्रशासक और नागरिक के बीच अच्छे रिश्तों के लिए ब्रिज। और अहमदाबाद में डॉक्टर्स के लिए स्पिरिचुअल रिट्रीट, अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन और ब्रह्म कुमारी का संयुक्त आयोजन। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित SRM यूनिवर्सिटी और ब्रह्म कुमारी संस्था के एजुकेशन विंग के बीच MOU हुआ। यह समझौता SRM यूनिवर्सिटी में कुलपति प्रोफेसर संभा शिवराव, रजिस्ट्रार डॉक्टर आर प्रेम कुमार, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और उच्च शिक्षा की निदेशिका डॉक्टर नागा श्वेता, मूल्य शिक्षा पाठ्यक्रम के निदेशक BK पांड्यामणि, BK जय कुमार और आंध्र प्रदेश में वैल्यू एजुकेशन की संयोजिका BK सिरिशा की मौजूदगी में सम्पन्न हुआ। राजस्थान के पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन जालोर एवं नगर पालिका मंडल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित जालोर महोत्सव में ब्रह्म कुमारी भीनमाल सेवा केंद्र द्वारा चैतन्य झांकी सजाई गई, जिसे मेले के आयोजकों द्वारा प्रथम पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। भीनमाल सेवा केंद्र की प्रभारी BK गीता को यह पुरस्कार विकास भवन में आयोजित सम्मान समारोह में भीनमाल के SDM जवाहर राम चौधरी द्वारा प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश में बिजावर जनपद पंचायत कार्यालय में ब्रह्म कुमारी द्वारा प्रशासन में दिव्यता विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें छतरपुर सेवा केंद्र की प्रभारी BK शैलजा मुख्य वक्ता रहीं। उन्होंने सभागार में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि धैर्यता का गुण प्रशासक और आम नागरिक के बीच तनावमुक्त संबंध बनाने का कार्य करता है। इसके पश्चात BK कल्पना ने भारत भूमि के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए कॉमेंट्री द्वारा मेडिटेशन कराया। कार्यशाला के अंत में जनपद पंचायत के CEO अखिलेश उपाध्याय ने कार्यशाला की सराहना करते हुए भविष्य में भी इस तरह की कार्यशालाओं को आयोजित करते रहने का आग्रह किया। अहमदाबाद के महादेव नगर सब जोन और अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन द्वारा चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए कनेक्ट टू सेल्फ, सोल एंड नेचर विषय पर स्पिरिचुअल रिट्रीट आयोजित की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दिलीप भाई गढ़वी और सचिव गार्गी बहन पटेल शामिल हुए। सभा में मौजूद चिकित्सकों को महादेव नगर सब जोन प्रभारी और युवा प्रभाग के उपाध्यक्ष BK चंद्रिका, मेडिकल प्रभाग के सचिव BK डॉक्टर बनारसी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK डॉक्टर कोकिला समेत संस्था से जुड़े कई वरिष्ठ लोगों ने संबोधित किया। ऊपर की ओर आगे बढ़िए। रिट्रीट के अंत में दिलीप गढ़वी, गार्गी बहन पटेल और डॉक्टर मौलिका पटेल ने सभी से ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े रहने और मेडिटेशन को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। इस पूरे रिट्रीट का कुशल संचालन संस्था से जुड़ी डॉक्टर मौलिका पटेल ने किया। इसी क्रम में महादेव सेवा केंद्र में युवाओं और वरिष्ठ लोगों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी कार्यशालाएं आयोजित हुई, जिसमें BK चंद्रिका और युवा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका BK कृति ने पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण युक्तियां बताई। और कार्यक्रम के अंत में BK अशोक ने युवा प्रभाग द्वारा साल भर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। जयपुर में युवा प्रभाग और राजा पार्क सेवा केंद्र द्वारा युवाओं के लिए जीवन में सफलता विषय पर आयोजित वर्कशॉप का शुभारंभ राजस्थान कला एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त सचिव पंकज कुमार ओझा, व्यवसाय विभाग के पूर्व प्रमुख प्रोफेसर अशोक शर्मा, पूर्व RAS अधिकारी महेश नारायण शर्मा और राजापाक सबजोन प्रभारी BK पूनम द्वारा दीप जलाकर किया गया। शुभारंभ के पश्चात पंकज ओझा और BK पूनम ने युवाओं को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई। कई ऐसे हमारे पास युवा आए जो तनावग्रस्त, अवसादग्रस्त, डिप्रेशन में, व्यसनों में फंसे हुए, नशा करते थे, लेकिन जब उन्होंने यहाँ
राजयोग की प्रैक्टिस की तो इन बुराइयों को उन्होंने त्यागा और उनके अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन आया। आप सभी युवा हैं तो युवाओं के लिए दो लाइन बोल देता हूं। सबसे पहले कि हमने तलवारों की धारों पे जमाना बदलते देखा है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। आज तक संसार में दो ही लोगों ने इतिहास को बदला, पहले तो वो जिनको लोगों ने पागल कहा, दूसरे वो जो आजाद ख्याल जवान थे, युवा थे। ब्रह्म कुमारी संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग ने DRDO पर्सोनल के लिए टाइम मैनेजमेंट पर ऑनलाइन टॉक आयोजित की, जिन्हें ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े और दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहित गुप्ता ने एड्रेस करते हुए टाइम मैनेज करने के कई प्रैक्टिकल टिप्स दी। इस पूरी टॉक के दौरान कैप्टेम के चेयरमैन आर अपूर्वराज शामिल रहे। अब कुछ खबरें एक नजर में। कर्नाटक के चिकमगलूर सेवा केंद्र पर बुक लॉन्चिंग समारोह, किसानों की समस्याओं से जुड़ी है कंदिया कलाकाली पुस्तक। कमिश्नर KN रमेश, सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर HL नागराज, SP अक्षय M हके, चिकमगलूर जिला प्रभारी BK भाग्यलक्ष्मी, प्रसिद्ध साहित्यकार हीरे मगलूर कर्णन समेत शहर की कई जानी मानी हस्तियों की मौजूदगी में हुआ पुस्तक का विमोचन। डॉक्टर HL नागराज ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए लिखी है ये पुस्तक। मध्य प्रदेश राजगढ़ के ब्यावरा सेवा केंद्र पर पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम, कुछ मिनट शहीदों की याद में मौन रहकर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। सेवा केंद्र प्रभारी BK मधु ने शहीदों के देश प्रेम को नमन करते हुए स्वयं में भी ऐसा देश प्रेम जागृत करने की कही बात। अन्य कई लोगों ने अपने शब्दों द्वारा शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम, अपने खून से जिसने जमीन को खींचा उन बहादुरों को मेरा सलाम। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में स्थानीय ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र और सेवा आरोग्य उत्तराखंड समिति के सहयोग से लगा स्वास्थ्य जांच एवं नशा मुक्ति जागरूकता शिविर। मोबाइल वैन द्वारा स्थानीय निवासियों में फैलाई नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता। ऐसे ही दियारकोट और कोली गांव में भी जागरूकता कार्यक्रम। कैंसर का मुफ्त उपहार, जितना आसान है इस जहर को मुंह लगाना उतना ही भयंकर है इसके अभिशाप से मुक्त होना। वाराणसी के नाटी इमली सेवा केंद्र पर डिवाइन संस्कार शाला के बच्चों के लिए स्नेह मिलन। सेवा केंद्र प्रभारी BK चंदा ने बच्चों को नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का महत्व बताते हुए जीवन में धारण करने की कही बात। कई बच्चों ने गीत गाकर व डांस कर किया अपनी कला का प्रदर्शन। मैमूरगंज BK पाठशाला द्वारा संचालित है डिवाइन संस्कार शाला। महाराष्ट्र के आठपड़ी स्थित गुरुकुल निवासी विद्यालय में स्थानीय ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र द्वारा नैतिक शिक्षा और सकारात्मक चिंतन विषय पर कार्यशाला। वरिष्ठ राजयोग शिक्षक BK भगवान ने बच्चों को समझाया जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व। आज के बच्चे कल का भावी समाज है, अगर भावी समाज को बेहतर बनाना है तो वर्तमान के बच्चों के अंदर इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा सीखना जरूरी है। शिक्षा विस्तार अधिकारी प्रशांत चंदन शिवे, स्कूल के प्राचार्य पोपट सालुंखे और BK स्वाति रही कार्यशाला के दौरान मौजूद। ऐसे ही सांगली के तलेवाड़ी BK पाठशाला में तनाव मुक्ति जीवन विषय पर आध्यात्मिक कार्यक्रम। करगनी प्राथमिक आरोग्य केंद्र अधिकारी डॉक्टर नितिन गावड़े समेत कई प्रतिष्ठित लोगों ने लिया कार्यक्रम का लाभ। चित्रों द्वारा समझाए कई आध्यात्मिक रहस्य, लोगों ने दिलचस्पी लेते हुए राजयोग मेडिटेशन सीखने की जताई मंशा। आजादी के अमृत महोत्सव के चलते घोषित रंगोली प्रतियोगिता के तहत छतरपुर के विश्वनाथ कॉलोनी सेवा केंद्र और दिल्ली के परमपुरी सेवा केंद्र पर देशभक्ति थीम पर सजाई गई झांकी, चलिए देखते हैं उसकी कुछ झलकियां।
हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।